बात मान, जैसा मैंने कहा वैसा कर। अरे निराली से जाकर उसके घर पर मिला, वरना उसके चक्कर में तू देवदास बन जाएगा। अभी पता तो ये लगाना है कि सोनाली को सिंदूर दान करने वाला था कौन, और पक्का सोनाली का पास्ट इससे जुड़ा हुआ है। अरे उठिए जल्दी से। क्या हुआ उषा? है क्यों कल्याण, पूरा कृष्ण कुंज छान मारा, चिराग का कहीं कोई अता पता नहीं। क्या क्या हुआ, घर में कोई परेशानी है? हाँ, चिराग घर में नहीं है। तुम्हें कुछ बोल कर क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो, चिराग कहां है? मैंने तुमसे पूछा है, वो तुमसे कुछ कहकर गया है? मुझसे कुछ कहकर तो नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि वो कहां गया। घबराने वाली कोई बात नहीं, सुबह तक वो घर वापस आ जाएगा। सीधे सीधे जवाब दो, चिराग कहां है? वो मिलने गया है। किससे? अपनी बीवी से। निराली से मिलने गया? थैंक यू कल्याण। फोन लगाओ सर, अभी इसी वक्त फोन लगाओ। आप इतनी रात को? मुझसे सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। दिन ज्यादा सोचो मत, जब मोटा भाई ने कहा कि फोन करो तो करो, सवाल जवाब मत करो। मोटा पापा, चिराग अपना मोबाइल घर पे ही छोड़कर गया है। चिमन भाई के घर पे फोन करो, उनके लैंडलाइन पर फोन करो, अभी इसी बात। हेलो, चिराग है वहाँ? पापा जी, जय श्री कृष्णा। हाँ, चिराग भाई आए हैं यहाँ पर। उसे कहो कि वो तुरंत घर वापस आए।
को खड़े होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शायद उसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए वो रात को घर नहीं आया। मुझे किसी की सफाई नहीं सुननी है और ना ही मेरे फैसले के बीच में कोई आएगा। एक कदम आगे मत बढ़ाना। तुमने हमारे और इस कृष्णा कुंज की मान मर्यादा का उल्लंघन किया। तुम्हारे लिए अब इस घर में रहने की कोई जगह नहीं। तुम मुंबई जाना चाहते थे ना, चले जाओ। अब तुम्हें यहां कोई नहीं रोकेगा, निकल जाओ यहां से। तुम अगर यह सोच रहे हो कि हम तुम्हें माफ कर दें, तुम गलत सोच रहे हो। तुमने कोई और गलती की होती तो माफ की जा सकती। तुमने मोदी परिवार की इज्जत के ऊपर तमाचा मारा है। तुमने हमें चोट पहुंचाई है। तुम्हें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। इस गलती की सजा आप चिराग को दे रहे हैं, असल में वो मेरे दिमाग की सोच थी। उसको छिपकर मिलने के लिए कहा था, कहा ही नहीं बल्कि फोर्स भी किया था। और अगर आपको सजा देनी तो मुझे दीजिए।
चिराग की कोई गलती नहीं। इसे घर से मत निकाल। ठीक, तो अब चिराग इस घर से नहीं जाएगा। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो हम तुम्हें इस घर से कब का निकाल चुके होते। लेकिन अब भी देर नहीं, चिराग की जगह अब तुम ये घर छोड़ के जाओगे। चिराग नहीं, तुम जाओगे हमेशा के लिए। तुम सबको ये सबक सिखाना जरूरी है। कुछ भी सोच लेते हो अपने आप से। ठीक है पापा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। जिसे अपने कुल और मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, उसे अपने बाप के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। उसे अपने बाप के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं नहीं जाएगा। हसमुख, मेरे रहते घर में से किसी को निकालने वाले तुम कौन होते हो? हाँ, वो
जरा जरा सी बात का मुद्दा मैंने उठाया होता ना तो तुझे तेरी जवानी के दिनों में मैं कई बार घर से बाहर निकाल चुकी होती। इन्होंने किया ही क्या है हा? अपनी पत्नी से ही तो मिलने गए थे ना, किसी पड़ोसी की लड़की से तो नहीं। मैं तुम्हारी माँ जरूर हूं लेकिन मेरी सोच मेरे ख्यालात तुमसे ज्यादा मॉडर्न है। और तुम्हारी सोच तो अंग्रेजों के जमाने की है, अंग्रेजों के जमाने की। जरा सी बात पर बच्चों को घर से निकाल रहा। दोनों आज ही अपनी पत्नियों को वापस लेकर आओगे। कैसे चुप गए? आखिर बेटा किसका है? बिल्कुल अपने बाप पे गया है। रंजन जा जाकर मना उसे, नहीं तो दिन भर मौन व्रत रख के कमरे में बैठा रहेगा। मुझे एक सवाल है, मुझे क्यों किसी की बात का बुरा नहीं लगता है? मैं किस पे गया हूँ? किसी और की बात तेरी समझ में आए तब तो तुझे बुरा लगेगा ना, तुझे समझ में ही नहीं आती। नमो बमो। इधर आ तू, और तू भी। तुम दोनों आज ही अपनी पत्नियों को वापस लेकर आओगे। क्योंकि अगर दोबारा कभी तुम इस तरह उनसे मिलने गए तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगी तुम लोगों को उस हिटलर से। अरे वाह, इतनी जल्दी क्या थी अपनी बहुरानियों को बुलाने की? उन्हें मायके की हवा कुछ दिन और खाने दी होती, अब तो सेजल को भी अपनी गेम जल्दी जल्दी खेलनी होगी। टेस्ट मैच की तरह नहीं बल्कि 2020 की तरह, रोमांचक भी और फैसला भी जल्दी। हम छोटे छोटे थे जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब इसी मोटा भाई ने हमें संभाला, पढ़ाया लिखाया। अरे जब बाप की तबीयत ऊपर नीचे होती थी तो इसी मोटा भाई ने बाप बनकर हमारे मुंह में निवाले तक डाले हुए हैं। उषा, आज कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें दो भाई एक साथ रहते हैं? उषा, और आज इस मोदी परिवार में तीन तीन भाई का परिवार हरा भरा एक साथ रह रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, मोटा भाई के खिलाफ मेरे मन में जहर भरने की कोशिश मत करो उषा। मोटा भाई मेरे लिए देवता थे, देवता हैं और देवता रहेंगे।